बांदा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने किया जनता को संबोधित। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टियों द्वारा मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोई प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं तो वहीं पर कई बड़े पदस्थ पदाधिकारी तथा मंत्रीगण अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कर रहे जनता से अपील। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जनपद बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मरका में मुलिया बाबा के स्थान के सामने श्री डॉक्टर संजय निषाद का उड़न खटोला उतरा, जिसके बाद उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा उनका फूल मालाओं द्वारा भव्य रूप से किया स्वागत। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि संजय निषाद बबेरू विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय पटेल के समर्थन के लिए आए हैं। इस मौके पर संजय निषाद ने भाजपा पार्टी को जनहितकारी पार्टी बताते हुए जनता से अपील किया कि बबेरू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अजय पटेल को जनता के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस मौके पर श्री निषाद ने जनता को संबोधित करते हुए फिर से भाजपा सरकार बनाने की बात कही तथा जनता ने भी जोर शोर से नारों की गूंज के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, जिला संवाददाता बांदा, एवीपी भारत न्यूज चैनल। आए हुए क्या यहाँ पर जनता से आपको ये जनता मोदी योगी रख रही है, कमल चुनाव चिन्ह इंतजार कर रही है। आज ही वोट पड़े तो आज ही वोट बटन दबा के सरकार बनाने के लिए तैयार है। आज के दिन पूरी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। पटेल जी हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके विधायक हैं और इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजने के लिए संकल्प लिया है। डॉक्टर संजय मछुआरों की नेतृत्व करते हैं, उनके साथ निर्बलों की नेतृत्व करते हैं। सारे निर्बलों को भोजन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, किसानों को उनको सम्मान दे रही है, मकान दे रही है। आज के दिन में किसी ने नहीं पूछा था गरीबों को, सीधे उनके खाते में पैसा दे रही है। कभी राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 85-20 में दलाल खा जाते हैं, 15 गरीब भेजता है। मैं मोदी जी योगी को धन्यवाद देने आया था, ये जनता उन्हें धन्यवाद दिया है कि सीधे उनके खाते में पैसा जाता है और सीधे उनका अनाज जा रहा है। और जितने भी भ्रष्टाचारी जितने भी माफिया थे उत्तर प्रदेश पलायन हो चुका है और 2022 में एनडीए की सरकार। कई जगह आप जनसभा किए हैं, आप किससे लड़ाई मान रहे हैं? किसी कोई लड़ाई नहीं है, 80% हमारा है, 20 में बंटवारा है। बहुत सही है। अनाज कौन ले रहा है, इलाज कौन करा रहा है, मकान कौन बना रहा है, किसानों के खाते में पैसा कौन पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है? तो इनके देखवा पटेल जी के की भाजपा के, किसको देखना है? पटेल जी को है, किसको देखना है? अच्छा ये बताओ माई, में हम लोग आए थे बांदा जिले के एक चंदुआरी में आए थे, बहुत मिटिंग किया था। ये लोग सोचते होंगे हमारे जिले में एक सीट नहीं लड़ा, लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में जब बैठक हो गई